In this question, if x plus 2 is the GCD of the polynomial x minus 4 into 2x square plus x minus a and x plus 1 into 2x square plus bx minus 12, then the value of 5a minus 6b ki value find out karni hai. Okay, so x minus 4 into 2x square plus x minus a and x plus 1 into 2x square plus bx minus 12 ka GCD ka greatest common divisor is x plus 2. Okay, so means x is equal to minus 2 is the roots of this equation and this one equation, dono ka roots hoga. Means x equal to minus 2 satisfy both equations. So, yahan chala jayega, isme put karenge, isme aur put karenge, to minus 2 minus 4 minus 6 into 2 into minus 2 whole square, this is 8 minus 2 minus a equals to 0, kyunki isko satisfy karega, kyunki iska bhi फैक्टर है हमारे पास x plus 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू आ जाएगी 6, a इक्वल टू 6. नाउ वी नो दैट x इक्वल टू माइनस 2 इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और वी कैन से दैट x plus 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल. सो x इक्वल टू माइनस 2 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, माइनस 1 इंटू ये वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 2b और माइनस 12 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आ जाएगा 2b इक्वल्स टू माइनस 4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 आ गई, b इज इक्वल टू माइनस 2. अब क्या फाइंड आउट करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5a माइनस 6b की वैल्यू. 5a माइनस 6b इक्वल टू 5a की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 6 इंटू b की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास 2. तो 5 इंटू 6 इज 30 और प्लस 6 इंटू 2 इज 12, तो 30 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 42. तो 5a माइनस 6b इज इक्वल्स टू 42. 5a माइनस 6b इक्वल टू आ गया 42. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.